द लॉ ऑफ बिलीफ, विश्वास का कानून। द लॉ ऑफ बिलीफ क्या कहता है? द लॉ ऑफ बिलीफ बताता है कि अगर आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहेंगे तो उसे आप जरूर मिलेगी। डॉक्टर कहते हैं कि अगर किसी को 9 डेसिमल का दर्द हो तो वो मर सकता है, लेकिन एक प्रेग्नेंट जब अपने बच्चे को देती है उस समय 12 डेसिमल का दर्द वो सह जाती है। वो कैसे होता है? वो होता है बिलीफ से। वो अपने बच्चे की किलकारी सुनना चाहती है और इसी बिलीफ के कारण, इसी विश्वास के कारण वो जी जाती है। 12 डेसिमल का दर्द को वो जी जाती है, जबकि 9 डेसिमल के दर्द में एक आदमी मर सकता है। ये बिलीफ है जो उसे ज़िंदा रखती है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप बिलीव करो अपने लाइफ में। शाहरुख खान जो बॉलीवुड के बादशाह बने, अपने लवर गोरी से 20 रुपया का उधार हर रोज़ मांगते थे और उन्हें बोलते थे कि मैं एक दिन बहुत बड़ा बादशाह बनूंगा बॉलीवुड का। तो वो कहाँ से आता था वो पॉजिटिव एनर्जी? अपने आप में वो बिलीव किए और एक दिन सच में बॉलीवुड का बादशाह बने। धीरूभाई अंबानी ने एक दिन कहा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी में कहाँ से कर लेते? वो एक बिलीव था। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ हुआ है तो पहले बिलीव हुआ है। ये बल्ब जल रही है, इसके पीछे भी एक बिलीव था कि बल्ब जलेगा। कोई एरोप्लेन में उड़ रहा है, इसके पीछे भी कोई सपना देखा था कि एक दिन कोई उड़ेगा। एक दिन उसको बिलीव था कि कोई उड़ेगा इस तरह से। तो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है एक बिलीव के कारण हो रहा है। तो आप भी अपने आप पे बिलीव करो कि हम एक दिन करोड़पति बनेंगे, एक दिन मेरे पास भी दौलत होगी, बहुत सारी शोहरत होगी, बहुत सारी दौलत होगी और बहुत सारे सारे सपने मेरे सच होंगे। ये बिलीव करना है। ये बिलीव ही है जो आपको आगे बढ़ाती है। भारती जो मोटापा रहने के कारण भी आज मोटापे के कारण ही खा रही है, कॉमेडियन है, सबसे बड़ी कॉमेडियन है। जॉनी लीवर जिसका कोई चेहरा में कुछ भी चार्म नहीं है लेकिन फिर भी वो कॉमेडियन बने। इस तरह से अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो एक बिलीव करके अपने आप को डेवलप किए और सक्सेस पाए, दौलत शोहरत सब कुछ पाए, नेम फेम गाड़ी बंगला सब कुछ उन्हें मिला। तो आप भी बिलीव करिए, लॉ ऑफ बिलीव पे भरोसा करिए। जय हिंद।